हेलो स्टूडेंट, आप में से काफ़ी सारे लोगों का डेली एक प्रश्न हमसे रहता है कि भाई सेमेस्टर एग्जाम का सर पेपर कैसा आता है। ठीक है, पॉलिटेक्निक एडमिशन कराने के बाद आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं और उसमें से आपको डाउट है कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कैसा आएगा, क्या बोर्ड परीक्षा के जैसे ही होता है हमारा सेमेस्टर परीक्षा भी, तो थोड़ा सा डिफरेंस है आपको समझना पड़ेगा। बोर्ड परीक्षा की कॉपियाँ किसी अलग तरीके से होती हैं और सेमेस्टर एग्ज़ाम की कॉपियाँ बिल्कुल आपको सादी मिलेंगे, दोनों तरफ बिल्कुल सादा आपको जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम की कॉपी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सादे पेज पे लिखने का अभ्यास आप लोग अभी से ही कर लीजिएगा ताकि आप सभी के लिए आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप सभी के पास एक और क्वेश्चन रहता है कि सर सबसे ज़्यादा फेल बच्चे किस सब्जेक्ट में होते हैं, क्योंकि हमने बड़े बड़े धुरंधरों को फेल होते देखा है। जो बच्चा बोर्ड एग्जाम में 85 से 90 नंबर केमिस्ट्री में लाता था उस बच्चे की बैक लग गई, वो बच्चे भी फेल हो गए। ठीक है, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आखिर में सेमेस्टर में कॉपी हम कैसे लिख रहे हैं। बोर्ड में तो आप कैसे भी लिखते थे तो आपको नंबर मिल जाता था। ठीक है, बोर्ड में आप देखते होंगे कितना ज़्यादा नंबर बच्चों को मिलता है। ठीक है, 100 नंबर में 99 नंबर पाते, 100 नंबर में 98 नंबर, 100 नंबर में जो गया गुजरा भी कोई होगा और उसको कुछ नहीं भी आ रहा होगा उस स्थिति में भी उसको 65-70 नंबर तो यूं ही मिल जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, लेकिन जब आप सेमेस्टर में आते हैं तो सेमेस्टर में चूंकि एक एक नंबर जोड़ जोड़ करके बच्चे पास होने के लिए भी तरस जाते हैं, आप समझो बात को। ठीक है, तो इसलिए जैसे मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा आपको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर आता कैसे है। सेमेस्टर एग्ज़ाम के पेपर में यूँ होता है ना कि आपके पास जो है एक एक नंबर के जितने प्रश्न होते हैं, ठीक है, एक एक नंबर के आपके पास लगभग 10 प्रश्न होते हैं और 1 × 10 के आधार पर ये आपको 10 नंबर जो है यहाँ पर आपको आवंटित होता है। ठीक है, एक एक नंबर के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे और वो एक एक नंबर वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे हर चैप्टर से एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि मान लो केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज आपका आ गया। ठीक है, फिजिक्स का 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर से एक एक आ गया। ठीक है, और वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो इसमें से 2-3 एमसीक्यूज रहेगा, बाकी सारा वन लाइनर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं तो आपने लिख दिया कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरेंस, तो एक नंबर आपका मिल गया। लेकिन अगर आपने सिर्फ लिख दिया कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं तो इसमें जो है नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे नंबर लेने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, आप देखना, आप जो है अपने सीनियर से पूछना, आप कॉलेज में जा रहे होगे तो पता चलेगा वो क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया 10 नंबर के। फिर आपके पास जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई, ये 5 क्वेश्चन और ये भी आप लोगों का रहता है भाई 10 नंबर का। ठीक है, अब समझो बात को, ये तो 10 नंबर एक एक जो क्वेश्चन यहाँ पे 10 क्वेश्चन है तो टोटल आपका पूछा जाता है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में होता है कि आपको 10 का ही उत्तर देना है, इसमें 5 नहीं पूछा जाता, इसमें 6 पूछा जाता है। ठीक है, हर पेपर में एक एक बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि 5 क्वेश्चन करना है तो 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन की छूट रहेगी। 10 क्वेश्चन करना है तो 11 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन की छूट रहेगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो एक नंबर वाला हो गया, 2 नंबर वाला हो गया, उसके बाद 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। उसके बाद सीधे सीधे तौर पर 5-5 नंबर के सेक्शन होते हैं जो कि बड़े बड़े लॉन्ग आंसर के सेक्शन होते हैं, और 5 नंबर के जो है 2 क्वेश्चन करने होते हैं सिर्फ, और इसमें मिलता है आपको 10 नंबर। ठीक है, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ऑप्शन में 3 क्वेश्चन दिया होता है, एक क्वेश्चन कोई भी आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे ही आप यहाँ पे भी 2 × 5 ही करेंगे, यहाँ पे भी आपको 10 नंबर ही मिलेगा, और फिर यहाँ पे भी आप 2 × 5 ही करेंगे, यहाँ पे भी आपको मिलेगा बेटा 10 नंबर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि 10, 10-20, 10-30, 10-40, 10-50 इस अकॉर्डिंग पे आपका पेपर रहेगा। ठीक है, और 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपने 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज में अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, एटलीस्ट 2-2.5 पेज में अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ मिलते हैं 1 नंबर या 1.5 नंबर या मैक्सिमम 2 नंबर। समझो, नंबर की कटौती बहुत ज़्यादा है। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन को आप यूं ही लिख देते हो, चाहे जैसे भी लिख देते हो, 5 नंबर के क्वेश्चन को बेटा आपको करने में कुछ ज़्यादा नहीं होता है। 5 नंबर के क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया तो 3 नंबर 4 नंबर एग्जामिनर ऐसा ही दे देता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपने इस तरीके से किया तब जाकर के आपका काम बेहतर बनता है, अन्यथा बहुत ही दिक्कत है बेटा आजकल नंबर लेने में। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम है, ये बोर्ड परीक्षा नहीं है, ये इस तरीके से चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप अपनी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप पांडे जी टेक्निकल ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, पांडे जी टेक्निकल ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना, पांडे जी टेक्निकल ऐप पे आपकी पढ़ाई होगी और पांडे जी टेक्निकल ऐप पे आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। ऑफर बेहतरीन चल रहा है इस समय, ज्वाइन करोगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।